हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं वो जरूर ये चाहेंगे कि उनकी मदद की जाए। तो इसेंशियल सर्विसेज भी हम शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज, इसमें ओपीडी नहीं है। ओपीडी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ना ही हम लोग कोई भी कोल्ड ओटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारा ये डिमांड है क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल्स में ऐसा सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया है जिसके वजह से कोई भी फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर को ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, खास तौर से फीमेल डॉक्टर्स को, कि वो अब भी सेफ महसूस करें। देखिए, सिद्धांत यही हुआ है कि आंदोलन को अब नए रूप से आगे ले जाने की जरूरत है और साथ ही साथ बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो हम लोग चाहते हैं कि जब भी किसी भी मनुष्य के ऊपर कोई आपदा आए तो हमारा कर्तव्य ये है कि जिस तरह से उन्होंने हमें हमारे साथ खड़े रहे इस आंदोलन में, हम अब उनके पास जाएं और अपने कर्तव्य का पालन करें। इसी के लिए हमने डिसाइड किया है कि कल हम ये धरना मंच जो यहाँ पर बना हुआ है इसको हम लोग ख़त्म करेंगे या उठाएंगे और यहाँ से एक रैली कर हम लोग CGO कॉम्प्लेक्स CBI के पास जाएंगे। हमारा ये अनुरोध है CBI को, हम लोग ये डिमांड रखेंगे कि जल्द से जल्द और भी इन्वेस्टिगेशन जो पूरा करना है वो जल्द से जल्द हो ताकि अभया को न्याय जल्द से जल्द मिले। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो इसेंशियल सर्विसेज हैं जो हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं वो ज़रूर ये चाहेंगे कि उनकी मदद की जाए। तो इसेंशियल सर्विसेज भी हम शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज, इसमें ओपीडी नहीं है। ओपीडी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ना ही हम लोग कोई भी कोल्ड ओटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारा ये डिमांड है क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल्स में ऐसा सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया है जिसके वजह से कोई भी फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर को ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, खास तौर से फीमेल डॉक्टर्स को, कि वो अब भी सेफ महसूस करें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं सरकार उनको जल्द से जल्द पूरा करे। उसी के साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो मीटिंग कल हुई थी उसमें हमने जो बातें रखी थी उसमें से बहुत कुछ बातें मानी गई और कुछ पे कोई भी कमेंट नहीं है। तो हम जो चाहते हैं कि हम दोबारा हमारी बात हो और हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि थ्रेट कल्चर ख़त्म हो जिसके वजह से ही अभया के साथ ये हादसा हुआ। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपरली इलेक्शंस हॉस्पिटल में हो जिससे कि चुने हुए प्रतिनिधि स्टूडेंट्स के एपॉलिटिकल वो आएं, जो कि स्टूडेंट्स की समस्याओं को सही तरीके से पूरा करें जिससे कि दोबारा अभया जैसी दुर्घटना ना हो। क्योंकि पहले क्या था कि सिलेक्टेड लोगों को सरों पर बिठा दिया जाता था जो थ्रेट कल्चर का ही पार्ट बनते थे। तो हमने ये अपने GB में डिसाइड किया है। कब आप लोग विड्रॉ करेंगे? किस चीज़ से? धरना कल हम लोग विड्रॉ करेंगे जो कि एक रैली के रूप में 3 बजे स्वास्थ्य भवन से CGO कॉम्प्लेक्स तक है। अगर सरकार आपकी डिमांड अभी भी ना माने तो क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो 27 तारीख के ऊपर 27 तारीख तक हमारी 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी सरकार को ये कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि डॉक्टर काम पे जल्द से जल्द वापस आएं। अभी भी सिर्फ ऑर्डर के रूप में ये सुनिश्चित किया गया है, वो भी कुछ ही चीज़ों पर अभी भी फैसला या डायरेक्टिव आया है। हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए, सिर्फ लिखित माध्यम में ना हो। दूसरी बात ये है कि हमारी ये डिमांड भी है कि जो थ्रेट कल्चर है उसका एंड हो, इसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के जो रिजिग्नेशन था वो भी हमारे डिमांड में है, उसको भी सुनिश्चित नहीं किया गया। तो इसीलिए हमारी नज़रें 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर भी हैं और इसी बीच में सरकार के लिए भी सरकार के तरफ भी हमारी नज़रें हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन चीज़ों को पूरा करे, नहीं तो हमें मजबूरन दोबारा सीज वर्क की तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर अकीब अशरफ। आंदोलन के 41वें दिन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रेंड्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इतने दिनों के प्रोटेस्ट में हमने जो भी कुछ हासिल किया
और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी भी हासिल नहीं कर पाए। हमने प्रॉपरली नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करके लोगों का जो प्यार समेटा है उसके लिए हम लोगों के बहुत आभारी हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह से लोगों के सहयोग से हमने अपने आंदोलन के बलबूते पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता का जो रेजिग्नेशन हासिल किया, इसी के साथ साथ कुछ कर्मचारियों जैसे डीएमई डीएचएस को पद से इस्तीफा देना पड़ा, ये सारी उपलब्धियां हमने इस आंदोलन से हासिल की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आंदोलन अभी खत्म हो गया। हम लोग इस आंदोलन को एक नए रूप से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारे पास एक डायरेक्टिव स्वास्थ्य भवन के डायरेक्टिव नवर्णों की तरफ से जो आया है, जो कल के मीटिंग जो हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ था उसके रूप में हमने एक डायरेक्टिव पाया जिसमें ये बातें कही गई कि सेफ्टी सिक्योरिटी ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन ये कब होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसी के साथ साथ जो थ्रेट कल्चर, जिसका हमें पूरा यकीन है कि अभया एक थ्रेट कल्चर के वजह से जो ये दुर्घटना हुई है वो अभया की दुर्घटना थ्रेट कल्चर के वजह से ही हुई है। इसी के साथ साथ जो हमारा डिमांड इलेक्शन को लेकर है, ये पक्का यकीन है हमें कि जो इलेक्शन जब रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे सरों पर थोप दिया जाता है तो वो थ्रेट कल्चर का भागीदारी बनकर हमारे सरों पर अपना एजेंडा अपना प्रोपेगेंडा हमारे सरों पर लादने की कोशिश करते हैं। इससे थ्रेट कल्चर को बहुत बढ़ावा मिलता है। हमारा ये अब भी डिमांड है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए। इसी के साथ साथ हमारा ये भी डिमांड है कि थ्रेट कल्चर पर कोई कड़ा रूप में किसी कड़े रूप में कोई एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो जो चीजें हमें बोली गई है उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। हम कल स्वास्थ्य भवन से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर अवस्थान है धरना है इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। लेकिन हम जब अपने कॉलेज को वापस जाएंगे तो हमारी नजर प्रशासन पर जरूर रहेगी कि वो इन चीजों पर किस तरह से एक्शन लेती है। अगर इन चीजों में कोई भी कोताही या ढिलाई बरती गई तो हम जरूर जरूर वापिस और भी कठोर तरीके से और भी पक्के तरीके से हम वापस सीज वर्क को लेकर आएंगे। हम जो काम पर वापस जा रहे हैं, सैटरडे को हमारा ये जो एसेंशियल सर्विस शुरू करने की बात है, इसमें हम क्लियरली कहना चाहते हैं कि ओपीडी सर्विसेज और ओटी सर्विसेज जो इलेक्टिव ओटी सर्विसेज कोल्ड ओटी सर्विसेज है वो अब भी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब भी जो सिक्योरिटी मेजर लेने चाहिए उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। अब भी अगर कोई फीमेल कलीग अगर वो ड्यूटी ज्वाइन करती हैं तो उनके पास वो सुविधाएं नहीं है जिनसे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वो ड्यूटी में सेफ महसूस करें। इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन फुल कंटिन्यू रहेगा। हमारा जस्टिस फॉर अभया हमेशा पहला प्रायोरिटी था प्रायोरिटी रहेगा। हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग पर है और साथ ही साथ सरकार के एक्शन पर है कि वो क्या कड़ा कदम उठाती है जिससे ये सुनिश्चित हो कि जूनियर डॉक्टर्स अपने काम पर वापस जाएं। अभी हमने ये भी देखा कि बहुत सारे इलाकों में अभी बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हम डॉक्टर्स ये मानते हैं कि जब भी कोई आपदा किसी भी मानव पर आए किसी भी मनुष्य पर आए तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जाकर जल्द से जल्द उसका पालन करें। इसीलिए हमने अभया क्लिनिक अभया रिलीफ कैंप के नाम से एक आयोजन हम करने जा रहे हैं। हम सैटरडे से ये शुरू करेंगे जहां पर हम बाढ़ से जो इफेक्टेड एरिया है जो फ्लड से इफेक्टेड एरिया है वहां पर हम जाकर भारी मात्रा में रिलीफ का काम इलाज का काम करने वाले हैं।
इसीलिए भी हमने इसेंशियल सर्विसेज शुरू करने का ऐलान किया है ताकि जो भी लोग बाढ़ में ग्रस्त है उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों का प्यार हमें मिला अब हम उसे वापस समाज को लौटाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम पूरे तौर से अब भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी अब भी तक सुनिश्चित नहीं किया गया। हमारी नजर हमेशा ही प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन पर रहेगी कि वो जल्द से जल्द इस बात का सुनिश्चित करे कि हर जगह सेंट्रल टास्क फोर्स पे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, थ्रेट कल्चर का एंड हो, इलेक्शंस हो, जिससे दोबारा अभया जैसी दुर्घटना